हेमंत सोरेन जी महागठबंधन के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं। बहुत स्वागत है हेमंत सोरेन जी। और जो अभी तक के रुझान हैं उसमें आपको एज साफ तौर पर दिख रहा है, और एक आध सर्वे ऐसे भी हैं, एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिसमें आपको क्लियर कट मेजोरिटी दिख रही है, तो किस तरह से इस चुनाव एग्जिट पोल को लेते हैं आप? अब कई सारे एग्जिट पोल हैं जी, और निश्चित रूप से जहां अधिक दिखेगा, जो अधिक दिखाएंगे, स्वाभाविक रूप से मन तो थोड़ा सा उत्साहित होगा ही, और बस उसी भर का है और कोई विशेष नहीं है। हम 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप मैदान में रहे हैं अकेले दम पर, पूरे झारखंड को एक तरह से आपने चुनाव प्रचार के जरिए, हम कह सकते हैं पूरे झारखंड पर छाने की कोशिश की है। एक तरफ स्टार प्रचारक थे, एक तरफ आप अकेले एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसमें आपको क्या कुछ आभास मिला है इस पूरे चुनाव प्रचार में? देखिए, मैं पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने एक सकारात्मक एजेंडे के साथ गया था, अपने योजनाओं के साथ मैं लोगों के बीच में गया था, और मुझे इसका जन समर्थन लोगों के बीच से बहुत बड़े पैमाने पर मिलते दिखा था, और मुझे लगता है कि वो जन समर्थन वोट के रूप में ये तब्दील हो रही है। और चलिए ठीक है कि सर्वे अपना आंकड़ा दिखा रहे हैं, कुछ आंकड़े आपके दिमाग में भी होंगे, आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आ रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं आप? जी। और अपने साझेदारों पर, जो साझेदार हैं आपके, अगर मान लीजिए कि इनसे बात नहीं बनी, तो क्या आप बाहर से भी कुछ सपोर्ट ले सकते हैं सरकार बनाने के लिए, अगर इससे बात नहीं बनती है तो बताइए गठबंधन के लोग जाएंगे कहां फिर? नहीं नहीं, साझेदारों के अलावा जो जो बात हुई है जी, नहीं, निश्चित रूप से जो झारखंड के विषय है को लेकर और जिनको झारखंड की चिंता है, अगर जो हमारे साथ आना चाहते हो वो आ सकते हैं हमारे साथ। तो मतलब ये गठबंधन के इतर के दल या व्यक्ति आपसे अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अगर आपको आप में आपको लगता है अगर सीट कम हुआ तो, अदरवाइज कंफर्टेबल स्थिति दिख रही है आप? नहीं, गठबंधन के लोग तो रहेंगे ही, गठबंधन के लोग तो हैं ही जी, इसके अलावा जी मैं स्पष्ट कर दूं, अगर नाम भी क्षेत्रीय दल है, मैं अगर स्पष्ट कर दूं नाम, तो आजसू अगर साथ आना चाहे, मैं अगर कह रहा हूं बिल्कुल हम लोग इस, नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो बोले कि हमारी गठबंधन के अलावा हमारे क्षेत्रीय दल कई लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे हैं, और उनका कैसे प्रदर्शन रहता है नहीं रहता है, और जो राज्य की बेहतरी के लिए अपना विचार रखता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विचारों के साथ चलने को तैयार है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये एक अहम सवाल बार बार इस चुनाव के दौरान उठा, जो कि आमतौर पर झारखंड की संस्कृति से थोड़ा हट के था। बहुत तीखे चुनाव प्रचार हुए, शब्दों की मर्यादाएं टूटी, क्या इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य आप झारखंड में देख रहे हैं जिसमें इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत हो, या इतना ज़्यादा एक दूसरे को के प्रति दूरी बन जाए एक दूसरे के? देखिए, झारखंड के लोग कभी भी काफी, मतलब
हमेशा से शांति प्रिय लोग रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि भारतीय जनता झारखंड के लोग हर चीजों को समय के अनुरूप अपना कहा जा हेलो जी हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है। हेलो हाँ लगता है कोई फोन होना। आपकी आवाज मिल रही है मन जी। कह रहा था कि देखिए यहाँ हमेशा से शांति प्रिय लोग रहे हैं, लेकिन जब जब झारखंड के विषयों पर आघात हुआ है यहाँ के लोगों का जाना क्रोश हमेशा देखने को मिला है। सिर्फ राजनीतिक चुनाव पर ही नहीं बल्कि इस राज के हक अधिकार को लेकर के भी आपने देखा है कि लोग किस तरीके से सड़कों पर आते हैं या अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और जहाँ तक इस चुनाव में जिन मर्यादाओं की बात कर रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में रहे बल्कि उनके जितने भी लोग आज आप देखेंगे ये चुनाव बड़ा विचित्र तरीके से लड़ा गया। और ये चुनाव आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गठबंधन साथी रहे। हेलो जी हेलो जी जी आपकी आवाज मिल रही है। हेलो गठबंधन के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं जी। सभी लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ये राज को साबित क्या करना चाह रहे थे इस चुनाव में ये मुझे लगता है। हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है। हेमंत जी आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हेमंत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकेंगे, हमारे साथ पूरा एक पैनल है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन जी से जो हमारे साथ मौजूद थे, और भविष्य के गठबंधन और जो अब तक के सीट्स उनको मिली हैं अब तक की एग्जिट पोल और एग्जिट सर्वे में, उस पर अपनी चर्चा कर रहे थे। भविष्य के गठबंधन की तरफ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इशारा किया कि अगर आजसू साथ आना चाहे तो वो भी साथ आ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।